हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ प्रीति। सो गाइस, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ पोटैटो फेस सीरम। गाइस, बहुत ही इंस्टेंटली बन जाता है। अब इसको बनाकर रख सकते हैं 15 से 20 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। बट इससे ज़्यादा नहीं बनाना है आपको, बट उतना ही बनाना है एंड आप फिनिश हो जाए, फिर आपको इफेक्टिव लगेगा एंड देन आप फिर से बना सकते हैं 1 मंथ के बाद। सो गाइस, इसको बनाने के लिए बहुत ही घर की जो जो डेली के पर्पज़ की वहाँ जो किचन में चीज़ें होती हैं वही मिल जाती हैं एंड हम उसी से अपना फेस सीरम बना सकते हैं। एंड गाइस, ये होम रेमेडी है एंड इससे बहुत अच्छे इफेक्टिव मिलते हैं। बाहर से आप सीरम लेते हैं फेस सीरम, तो गाइस उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं। हमारे वो इंस्टेंट ग्लो तो देते हैं लेकिन हमारे फेस को हार्म भी करते हैं अंदर ही अंदर। हमारी स्किन दिखती है फ़ायदा हो रहा है लेकिन उसको जैसे भी छोड़ेंगे आप तो आपको झाइयाँ, बहुत सारी दिक्कतें ऐसी होने लग जाएंगी गाइस, जो ठीक नहीं है हमारे स्किन के लिए। तो हम जो होम रेमेडीज़ हैं मैं उन्हीं से अपना सीरम बनाती हूँ। तो चलिए, मैं आपको बताने जा रही हूँ आज पोटैटो फेस सीरम। तो वो बनाने के लिए मुझको चाहिएगा पोटैटो। मेरे पास बिग साइज़ पोटैटो है तो यहाँ पे मैंने इसको हाफ जस्ट हाफ कर लिया है एंड हाफ करने के बाद इसको मैं पील कर लेती हूँ। सो गाइज, मैंने इसको पील कर लिया है एंड इसको मैं पील करके बना रही हूँ। वैसे छिलका फ़ायदा देता है लेकिन मुझे अपना एक क्लीन मुझे अपना फेस सीरम चाहिए तो मैंने इसको अच्छे से पील कर लिया है एंड मैं इसको ग्रेट कर लेती हूँ गाइज। सो गाइज, आप देख सकते हैं मैंने इसको पूरा नहीं ग्रेट किया, जस्ट इतना किया है जितना मुझे चाहिए मैंने उतना ग्रेट किया है इसको एंड मुझे इतना ही चाहिए गाइज। मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी एंड मैं इसको अदर जूसेस में ले लूंगी। एंड मुझे चाहिएगी एक एम्प्टी बाउल। इस तरह से मैंने इस पर कपड़ा रख लिया है। आप चाहें तो छलनी की हेल्प से भी इसको स्ट्रेन कर सकते हैं जूस निकालने के लिए, बट मुझे ये थोड़ा इजी फंडा लगता है। इसे अच्छे से जूस इजीली निकाल पाती हूँ मैं, तो मैं इसका यूज़ करती हूँ कपड़े का। तो ये देखिए, मैं इस तरह से इसको सारा जो मेरा इसमें कर लिया है एंड मुझे चाहिएगा इसका पोटैटो जूस। सो गाइज, ये देखिए काफ़ी सारा जूस निकल आया है एंड मुझे इतना ही चाहिएगा लाइक दिस। एंड आप इसको फेंकिएगा नहीं, मैं जैसे कि मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ऐसे ही थोड़े थोड़े ऐसे आइस पर रख सकते हैं, आपको ये बहुत इफ़ेक्टिव देगा। एंड जस्ट आप क्या कर सकते हैं एंड जस्ट लाइक दिस, इस तरह की मैंने इसको पोटली बांध ली है। पोटली बांधने के बाद थोड़ा और निकल रहा है इसमें जूस एंड जस्ट आप इसको ऐसे ही फ्रिज में रख दीजिए। जब भी आप फ्री होंगे आप इस तरह से अपने फेस को पैम्पर कीजिए, ये बहुत इफेक्टिव है एंड थोड़ा थोड़ा सा इसमें जूस निकल रही है, काफ़ी फायदे देने वाला है आपके फेस को। तो इसको फेंकिएगा नहीं, ये जादू की पोटली है आपकी स्किन के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फेस सीरम। तो मेरा जस्ट इतना मेरा जो जो पोटैटो जूस है गाइस इतना निकल आया है एंड मुझे यहाँ पर चाहिएगा एलोवेरा जेल एंड मुझे चाहिएगा रोज़ वाटर एंड मुझे चाहिएगा जस्ट 2 ड्रॉप ऑफ लेमन। तो जस्ट मैंने इतना ही कट किया है क्योंकि मुझे ओनली 2 ड्रॉप चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। सो गाइस, मैं पहले जी एक एम्प्टी बाउल है, मैं पहले इसमें अपना बना लेती हूँ अपना पेस्ट। इस तरह से यहाँ पर मुझे चाहिएगी स्पून। स्पून की हेल्प से मैं 1 स्पून इसमें, 1 फुल स्पून इसमें एलोवेरा जेल ले ले रही हूँ। फुल स्पून मैंने यहाँ पर एलोवेरा जेल लिया है। मैं यहाँ इसको इसमें ऐड कर लेती हूँ एंड मुझे 2 ड्रॉप्स चाहिए। 1 काफ़ी सारी ड्रॉप निकल आई इसमें फिर भी, बट इतना सा लेमन इनफ है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है गाइस। एंड यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ जस्ट, यहाँ पे भी आप थोड़ा सा ही लेंगे, जस्ट 1 से 2 ड्रॉप ही मैंने ऐड करूँगी यहाँ पर लाइक दिस। मैंने थोड़ी सी ही इसमें ऐड किया है एलोवेरा जेल, सॉरी गुलाब जेल, ये मेरे पास पतंजलि का है। सो गाइस, जस्ट मैं इसको करती हूँ एक अच्छे से, मैं इसको वेल मिक्स कर लेती हूँ।
गाइस इसमें मैंने इसमें ऐड किया है लेमन, तो मुझे विटामिन ई इसमें ऐड नहीं करना है क्योंकि लेमन काफ़ी अच्छा होता है, वो हमें बहुत अच्छी इफेक्टिव अमेजिंग रिजल्ट देगा। पोटैटो भी मैं इसमें ऐड करूँगी एंड मैंने इसमें गुलाब जल ऐड किया है, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। गाइस ये देखिए कि स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है एंड मैं जस्ट थोड़ा थोड़ा करके इसमें पोटैटो जूस ऐड करने वाली हूँ। जस्ट मैंने थोड़ा ऐड किया है पोटैटो जूस, मैं इसको अच्छे से ऐड कर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स आपको अच्छे से करना है गाइस। ये देखिए मैं बाकी बचा हुआ पोटैटो जूस भी इसमें ऐड कर लिया है एंड ये देखिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। गाइस ये मेरा सीरम बन के रेडी हो चुका है एंड आप इसको जस्ट फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं क्योंकि पोटैटो है तो थोड़ा ख़राब होने का थोड़ा डर रहता है, फ्रिज में आपका ये सीरम एकदम सेफ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड ये देने वाला है आपको बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स। सो मैं आपको लगा कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए फेस सीरम, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट अपना फेस वॉश कीजिए एंड आप इस फेस सीरम को थोड़ा सा जैसे क्रीम लगाते हैं उस तरह से अपने फेस पे अपने नेक पर अच्छे से लगा लीजिए एंड आप ज़्यादा बना सकते हो तो आप एज अ मॉइस्चराइज़र अपने हैंड्स पे भी लगा सकते हैं। गाइस मेरे हाथ में एकदम चिपचिप नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है एंड आप देख सकते हैं थोड़ा सा फेस पे शाइन सी भी फील हो रही है एंड ये देने वाला है मुझे बहुत सारे इफेक्ट एंड स्किन ब्राइटनिंग का भी काम करेगा, ये हमारे पिगमेंटेशन भी रिमूव करेगा एंड ये बहुत सारे बेनिफिट्स देने वाला है। सो अगर आपको ये मेरा पोटैटो फेस सीरम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मैं इसको किसी भी क्रीम के डिब्बे में या किसी अच्छे कंटेनर में स्टोर करके मैं फ्रिज में स्टोर कर दूंगी। ओके देन, बाय बाय।